हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर। हाथरस के गांव छतरपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में चली गोली, हुआ पथराव। हाथरस के थाना क्षेत्र हाथरस जंक्शन के गांव छतरपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में गोली चली, हुआ पथराव। गांव के ही एक युवक के द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर किया जा रहा था अवैध कब्जा। वहीं गांव के ही एक युवक ने इस बात का विरोध किया तो दबंग पक्ष ने विरोध करने वाले पक्ष पर चला दी गोली और किया पथराव। गोली लगने से गांव के ही विकास उर्फ बंटी की हालत गंभीर, हाथ से किया अलीगढ़ मेडिकल के लिए रेफर। मौके पर पहुंची थाना हाथरस जंक्शन पुलिस। दो आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। मामले की पुलिस कर रही है छानबीन। हाथरस से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, अभी एक मामला आया, बता रहे हैं कोई झगड़े में कोई घायल है, क्या है पूरा मामला? पुलिस लेके आई जिला अस्पताल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार। विकास जी, ये आपके बता रहे हैं कि गोली का मामला है, कि गोली आपके लगी है, कैसे गोली लगी है? जी, वो ग्राम पंचायत पर अवैध कब्जा कर रहे थे, हमने जाके उनको रोका तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और मेरी गोली लगी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ, छतरपुर। कौन सा थाना लगता है? थाना हाथरस जंक्शन। पुलिस को सूचना दी फिर उसके बाद में? आपने सूचना दी थी, पुलिस लेट आई। पुलिस आपको लेकर आई है अस्पताल में? कितने लोग थे वो? तीन लोग थे। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।